हमको बाद में भी उनके साथ में जाकर के मिलना है, बैठना है, उनके साथ गले लगना है, उनको मिठाई बांटना है। देखिए, देश की अखंडता एकता सर्वोपरि है। अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद में बस कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना बाकी है, पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उसी को लेकर के हम उनसे जानेंगे कि वो फैसले को किस तरीके से देखते हैं। बाबा जी, जिस तरीके से आज फैसले का दिन रखा गया है, तो कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? तो न्याय का पक्ष है, उसी के आधार पर होगा। जो एविडेंस है, भारत का संविधान है, भारतीय दंड संहिता है, साक्ष्यों का भी प्रस्तुतिकरण है, लंबी लड़ाई चली, यह न्याय का मंदिर है, न्यायालय का जो ध्येय वाक्य है, या तो धर्म सतो जया, यहाँ धर्म है, यहाँ पर बैठने वाले धर्माधिकारी हैं जो माननीय न्यायाधीश हैं, तो निर्णय जो भी होगा वो ठीक होगा। स्वामी जी, देखा गया है कि आरएसएस भी शांति बनाए रखने की अपील कर रही है, भाजपा भी और मुस्लिम तंजीमें भी, कि देश की अखंडता और एकता पर कोई असर न पड़े, पर कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो नफरत झोल देना चाहते हैं। देखिए, देश की अखंडता एकता सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। जो भी जिसको भी करना है, उससे मेरा नम्र निवेदन है, आग्रह पूर्वक संविधान के दायरे में चिंतन करे और संविधान के दायरे में कार्य करे। अखिल भारत हिंदू महासभा आपके माध्यम से अपील करती है कि संपूर्ण राष्ट्र में, अभिष्ट में, जहाँ भी हिंदू हों, उद्वेलित न हों, शांतिपूर्वक जो भी निर्णय आ रहा है उसका स्वागत करें। संविधान के दायरे में जो अधिकार दिया है उसके विषय में सोचा जाएगा। जैसे कि स्वामी जी ने अपील की है, पर फैसले लेकर देखा जाए कि किसी को अंदाजा नहीं था कि फैसला आएगा, और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के और ओपी सिंह से मुलाकात होती है, फिर रात को ऐलान होता है कि कल ही फैसला आएगा, तो अचानक से हुए ऐलान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये एक बार में फैसला नहीं बदला गया है। ये पहले जिस दिन कोर्ट की सुनवाई पूरी हुई थी, सीबीआई ने कहा था कि 4 हफ्तों में इतना बड़ा फैसला लिखना भी नामुमकिन है। अब उसमें उन्होंने सबसे पहले 17 तारीख का डेट दिया था, उसके बाद इन्होंने 11 तारीख का डेट दिया और अचानक से 9 तारीख का हुआ। मुझे इसमें सर्वोत्तम प्रशासनिक गतिविधियां लगती हैं, जो भी इसमें डिसीजंस को बदला गया है वो कहीं ना कहीं उसमें प्रशासनिक हिस्सेदारी लगता है। सर, जैसे कि देखा जाए कुछ शरारती तत्व जो है भड़काऊ गाने बना करके एक समाज को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे इस नफरत भरे माहौल में? देखिए, ये तो हमारे देश में नहीं, ये सारे देशों में, कहीं दुनिया में कहीं भी जाओ, हर जगह शरारती तत्व मिल जाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय अखंडता के लिए फिर से मैं यही कहूँगा कि 250 सालों से हमने शांति बना के रखी है इस लड़ाई के लिए, और जो भी लड़ाई लड़ी है वो संविधान के दायरे में लड़ी है। और अब भी हिंदुओं से यही कहूँगा कि जितना भी जो भी फैसला आता है इसको सर्वमान्य से माने सर्वोच्च न्यायालय के तहत, और जो भी संविधान के दायरे में होगा महासभा उसको देखेगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको और आगे तक लेके जाएंगे। जो एकता का पैगाम देने की बात कही जा रही है, आरएसएस की दे रही है, भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम तंजीमें भी इस बात को कहती हुई नजर आ रही है कि फैसला चाहे हिंदुओं के पक्ष में आए चाहे मुस्लिमों के पक्ष में है, हमें शांति बनाए रखनी है। मुस्लिम तंजीम जो है वो भी तो पूर्व के हिंदू हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके लिए भी इमाम हिंद है, तो राम के प्रति तो सबका सम्मान है और राष्ट्र सर्वोपरि है। इसलिए शांति बनाए रखना बहुत आवश्यक है। सर, जो फैसला आज आने वाला है अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद पर, क्योंकि कुछ नफरती तत्व हैं जो माहौल खराब करने चाहते हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे कि शांति, अमन और सुकून देश में कायम रहे? देखिए, मैंने सर्वप्रथम आपसे सबसे निवेदन करता हूँ कि हमने अयोध्या में जाकर मुस्लिम पक्षकार, हिंदू पक्षकार सब लोग मिलकर के हमने ये 2017 जून से ये आरंभ किया था। उस समय सारे हम मुस्लिम और हिंदू पक्षकार एक साथ थे, हैं आज भी। हम तो यही कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका निर्णय ठीक से आए और सब लोग उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमको बाद में भी उनके साथ में जाकर के मिलना है, बैठना है, उनके साथ गले लगना है, उनको मिठाई बांटना है, हम भी खाएंगे। तो देश का माहौल इस प्रकार का हो कि सब लोग खुश खुश रहे और स्वागत करें। जो अमन और सुकून खराब करने वाले जो नफरती तत्व हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे देश के लिए? ऐसा है, जो लोग नफरत का काम करते हैं उनके लिए
मामला अलग है, लेकिन यहाँ हिंदू और सभी देश के जितने भी 120 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ हैं, उन सब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब शांति में विश्वास रखते हैं, हमारा धर्म ही शांति वाला है। बस हमें चाहते हैं कि जन्मभूमि भगवान श्री राम का जन्म हुआ वहाँ मंदिर का निर्माण होना चाहिए और हमें कोर्ट पर कोर्ट से बहुत उम्मीद है, फैसला हमारे पास में। मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि शांति बनाए रखें, सद्भावना कायम रहे, गंगा जमुना जो तहजीब का हमारा देश कहा जाता है वो बरकरार रहे, और हमें अपूर्ण आशा है अपने पक्ष के लिए है, तो उम्मीद भी है। तो आज दिन बहुत सुंदर है, अच्छा दिन है, धूप खिली हुई है, तो ऐसी ही आज पूरा दिन खिला रहे, सबके चेहरे खिले रहे, ऐसी आशा कामना करता हूँ। जो आज एक ऐतिहासिक फैसला आना था वो जजमेंट साफ हो चुका है, तो किस तरीके से देखती हैं इस जजमेंट को आप? मुझे ऐसा लगता है कि इससे फेयर और जस्टिस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था, ये दोनों पार्टीज के बहुत फेवर में है, और मुझे ऐसा लगता है ये एक शांति का संदेश है दोनों पक्षों के लिए। काफ़ी इसमें टाइम लगा, एनर्जी लगी लोगों की, गुरुदेव ऋषि रविशंकर ने एज अ मीडिएटर काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन जितना भी टाइम गया सब सक्सेसफुल रहा, और मेरे नज़रिए में काफ़ी फेयर थे। मैम, जैसे कि तमाम पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस हो, मुस्लिम तंजीमों में भी ये ऐलान किया था कि किसी तरीके की उकसाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, जैसा सुप्रीम कोर्ट पे भी आप देखेंगे कुछ वकील भी हैं, कुछ लोग मिल करके जय श्री राम का नारा खड़े होकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही लगा रहे हैं, क्या ये एक उकसाने वाली साजिश नहीं है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये उकसाने का नहीं है, थोड़ा नज़रिए की बात है, क्योंकि आप अगर हम एक इंसान की भांति भी देखें तो आस्था के बिना कुछ नहीं चल पाता है। सुप्रीम कोर्ट पे भी लोगों की एक आस्था थी जिसके भरोसे ये केस यहाँ तक पहुँच पाया, तो ये लोगों की अपनी आस्था और श्रद्धा है। एक तरफ जय श्री राम चल रहा है तो दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद के लिए भी नारे लग रहे हैं, दोनों तरफ हम देखें तो दोनों तरफ से चल रहा है। मुझे लगता है कि ये लोगों की आस्था है और कुछ नहीं। किसी भी तरीके का माहौल खराब नहीं होना चाहिए, देश की अखंडता और एकता पर कोई असर कोई आँच ना आ पाए।